नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। आप लोग कैसे कॉन्सेप्ट बेस पर सॉल्व करोगे, कैसे परसेंटेज बेस पर सॉल्व करोगे, कैसे फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे, फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए भाई तैयार हो जाइए और आज ध्यान समझिएगा, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ध्यान समझिए, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे जिन्होंने एसआई सीआई पहले नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी क्लास है, और जो पहले पढ़ चुके होंगे भाई हम ही ने बहुत बार पढ़ा चुका होगा, यानी 2 से 3 बार हमने जो है इसका रिवीजन कराया है। फिलहाल एक बार हम लोग फिर से इसको बेसिक से कॉन्सेप्ट और एक बार फिर से पुनः सभी चीजों को रिवाइज करेंगे और कुछ नए नए क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिलेट करेंगे। तो आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो फिलहाल क्या करेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले ग्राफ के थ्रू आप समझोगे। ग्राफ का मतलब हुआ पहले होता क्या है वो समझोगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखो अच्छा, आप सबसे पहले बताओ ध्यान से कि मूलधन सबको पता क्या होता भाई, प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होता सबको पता है, यानी जो भी पैसा हम किसी से उधार लेते हैं, किसी को उधार देते हैं, वही क्या होता मूलधन, यानी जिस पर कोई ब्याज नहीं लगा होता है। आप कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दो तरीके, एक चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर, एक साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर। तो फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पर मंथ पर ईयर या जो है ईयरली 1 रुपए पर लगने वाला मूलधन पर ब्याज ही क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अच्छा समय टाइम क्या होगा, यानी समय यानी टाइम कितने वर्षों के लिए, मतलब हम पैसा जब बोरो करेंगे उधार देंगे या उधार लेंगे तो कुछ वर्ष के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ दिन के लिए, किसी फॉर्म में हो सकता है, यानी ईयर में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है और डेज में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब यही सेम चीजें हम बात करेंगे किसमें, चक्रवृद्धि और उसमें साधारण ब्याज दोनों में। अच्छा एक टर्म्स और यूज करते हैं, सब में होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब हुआ यानी मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब हुआ कि एक धन और एक मिश्रधन, यानी अगर हम मान लो एक बैंक से 50,000 रुपए भैया उधार लेते हैं, कितना 50,000 रुपए, और बैंक को हम 6,000 रुपए ब्याज पे करते हैं। अब ब्याज कैसा, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज ये भी हम बता रहे हैं, लेकिन मान लो हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो मूलधन हुआ और साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो मूलधन में ब्याज जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जो 56,000 होगा भैया वो क्या होगा, यही हमारा अमाउंट होगा, यही मिश्रधन होगा। ये साधारण ब्याज की बात करें, वही सेम चीजें अगर हम मान लो बोल दें 75,000 रुपए हम यानी मूलधन बैंक से बोरो करते हैं, बैंक को हमें जो है 8,000 रुपए ब्याज देना पड़ता है, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है, तो सर मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ोगे तो भी अमाउंट होगा, हाँ बिल्कुल वही अमाउंट होगा 75 + 8,000, आप कहोगे सर 83,000 होगा, लेकिन 83,000 अमाउंट कौन सा होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला, और ये अमाउंट कौन सा होगा साधारण ब्याज वाला। अब दोनों में डिफरेंट है भैया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग तरीके से लगता है, तो कैसे लगता है पहले क्लियर करें और फिर दोनों के क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है ना। चलो फिलहाल देखो ध्यान से, ये तो क्लियर हो गया ना भाई, मूलधन में ब्याज जोड़ोगे तो क्या बनेगा अमाउंट बनेगा, रेट और टाइम का सब खेल है, कैसे वो रिलेट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसी वाले क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करोगे ना। तो ये सब रेट और टाइम है, तो चलो एक ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे इनको हम लोग रिलेट करेंगे। आप बताओ जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता था, परसेंटेज का मतलब भाई कि परसेंट, जैसे मान लो 5% बोल दें तो 100 रुपए पर 5 रुपए ना, जैसे हम बोल दें 5% पर एनम का मतलब एक साल में 100 रुपए अगर हम बारो करेंगे 5 रुपए एक साल में ब्याज देंगे, 12% का मतलब हुआ 100 रुपए बारो करेंगे तो एक साल में 12 रुपए ब्याज देंगे। अभी हम बात करेंगे मंथली की, ईयरली की, सब की बात करेंगे, फिलहाल अभी हम डिफरेंस कर रहे हैं किसमें भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस कर रहे हैं। देखो इधर सिंपल इंटरेस्ट है, इधर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आप देखो ध्यान समझिएगा, मान लो प्रिंसिपल की बात करेंगे, इसको अगर ध्यान से समझ गए भैया कल्याण हो गया, बस यही ध्यान देना, मूलधन हमारा 20,000 रुपए, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन लेके, इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%, सबसे इजी, टाइम हमारा अलग अलग, अगर हम जो है एक साथ जो हो कि अलग अलग वर्षों में ईच साल प्रत्येक वर्ष कितना हमें ब्याज देना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ष हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा, ये सब अगर हम डिस्कस करें तो हम कहेंगे सर फर्स्ट ईयर साधारण ब्याज की बात करें सिंपल, यानी अगर हमारा 20,000 रुपए मूलधन है,
ठीक है, हमेशा जो ब्याज होगा मूलधन पे लगेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर हम बोलते 10% पर एनम की बात करें, देखो यहां पीसीपीए लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगेगा। मतलब सिंपल मूलधन का 10% निकालो, यानी मूलधन का 10% जो भी अगर मूलधन दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया होगा तो मान लोगे, मूलधन का 10% निकालो सर, यानी 20,000 का कितना हुआ 10% सर, 2 जीरो कैंसिल हुआ, यानी 2,000 रुपए हुआ सर। यानी अगर हम बैंक से 20,000 रुपए बोरो करते हैं 10% साधारण ब्याज की दर से, एक साल में सर ब्याज कितना देना पड़ेगा, 2,000 रुपए देना पड़ेगा। सर अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 + 2,000 यानी 22,000 अमाउंट हो जाएगा, कितना आसान है। अच्छा सर, एक साल बाद अगर हम नहीं दे पाते हैं, मान लो हम दूसरे साल देते हैं, यानी हम बोल दें सेकेंड ईयर क्या होगा, सर सेकेंड ईयर क्या होगा, तो सेकेंड ईयर फिर से सर साधारण ब्याज, बहुत अच्छी बात है कि सेकेंड ईयर फिर से उसी 20,000 पर हमारा ब्याज 10% लगेगा। तो ठीक है भाई, पहले साल नहीं दे पाए, अगले साल के लिए फिर से 2,000 रुपए दे दो, यानी अगले साल भी 2,000 रुपए देना पड़ेगा हमें। यानी अगर हम 2 साल बाद वापस करेंगे तो सर 2,000 पहले साल का, 2,000 दूसरे साल का, यानी 4,000 रुपए भैया हमें देना पड़ेगा ना, तो ये हो गया। अच्छा मान लो हम सर 2 साल बाद भी नहीं दे पाते हैं, तीसरे साल देते हैं, तो कहोगे फिर से कोई बात नहीं, फिर से 20,000 रुपए पर 10% दो। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो यानी फिर से 2,000 रुपए दो, 2,000 रुपए ब्याज फिर से दे रहे हैं, यानी 2,000 और ये 6,000 रुपए 3 साल में हम ब्याज दे देंगे। अमाउंट कितना दे देंगे, 26,000 दे देंगे। मतलब साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है और प्रिंसिपल पर लगता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है और प्रिंसिपल पर लगता है। मतलब किसी 20,000 रुपए पर एक साल का ब्याज 2,000 रुपए है, तो दूसरे साल का भी 2,000 होगा, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का, जब तक भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं करेंगे, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा। जैसे मान लो हम बोल दें, इसी क्वेश्चन को हम अभी घुमाकर करेंगे और लॉजिकली हम लोग बनाएंगे कि किसी धनराशि पर, यानी किसी मूलधन पर 10 साल का ब्याज 20,000 रुपए है, तो एक साल का ब्याज, यानी 10 साल का ब्याज 20,000 रुपए है, तो एक साल का ब्याज 2,000 रुपए होगा। देखो ये ना, चाहे आप देखो इसी मनी भी दिया है, इस पर 10 साल का ब्याज निकालो, हर साल 2,000 रुपए करके 20,000 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो साधारण ब्याज समझ में आ गया होगा भैया कि मूलधन पर लगेगा और हर साल बराबर होगा, मूलधन पर जितना रेट ऑफ हो गई होगा। अब एक साल का है तो ठीक है, तो 2 साल का होगा, मल्टीप्लाई करोगे। अभी आरओटी कैसा होता है हम बताएंगे, उसमें परेशान मत हो, अलग अलग जब करेंगे, अभी फिर समझो से फिलहाल होता क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये समझ में आ गया, कहोगे हाँ सर समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही मूलधन, भैया वही चीज अगर आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर करो, यानी 20,000 रुपए प्रिंसिपल हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, टाइम यहां अलग अलग, तो आप बताओ सर अगर हम पहले साल फर्स्ट ईयर हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी 20,000 रुपए को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो करते हैं, कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा सर, चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा फिर से 20,000 रुपए का, ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपए का 10% सर, यानी 20,000 रुपए का 10% देना पड़ेगा, यानी 2,000 रुपए देना पड़ेगा। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। आप कहोगे सर तो ये तो हम साधारण ब्याज में भी वही कर रहे थे, बिल्कुल सही है, पहले साल यानी फर्स्ट ईयर यानी पहली बार जब हम ब्याज देंगे, पहले साल ध्यान दीजिएगा आप, यानी पहली बार देंगे या पहले साल देंगे, तो पहली बार और पहले साल में ब्याज हर साल बराबर होता है, ठीक है, किसमें हर साल बराबर नहीं, हर मतलब पहली बार हर साल बराबर होगा किसमें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। पहले साल साधारण ब्याज क्योंकि मूलधन पर लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन पर लगेगा, इसलिए 2000 चक्रवृद्धि ब्याज है, 2000 साधारण ब्याज है। लेकिन कहोगे सर क्या दूसरे साल भी ऐसा होगा, नहीं, अगर दूसरे साल होगा तो भैया सेकंड चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर ही नहीं रह जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज चक्र चलता रहता है, दूसरे साल जो ब्याज होगा मूलधन पे तो लगेगा लगेगा, यानी 20,000 तो पर लगाना ही लगाना है, पहले साल का ब्याज 2,000 और जुड़ जाएगा, यानी अगले साल के लिए जो हमारा मूलधन होगा 2,000 प्लस यहां पे 20,000 यानी 22,000 रुपए मूलधन, और यहां क्या मूलधन था सर 2,000, यानी यहां मनी पर ही लग रहा था, लेकिन यहां मनी और ब्याज दोनों को जोड़कर अगले साल लगेगा। चाहे आप अलग अलग कर दो कि 20,000 का और 2,000 का अलग अलग कर दो, चाहे से कर दो। तो कहोगे सर 22,000 का 10% कितना हुआ, हम कहेंगे बिल्कुल देखो, यानी 22,000 का 10% सर कितना हुआ, 2,200 रुपए हुआ, बताओ कोई डाउट है। अच्छा सेकेंड ईयर सर यहां ब्याज तो आ रहा था 2,000, लेकिन यहां कितना आ गया 2,200, 200 बढ़ गया ब्याज ना, क्यों, क्योंकि भाई जो 200 इसलिए बढ़ा कि पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगा है ना, यानी 2,000 पर भी 10% 200 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा है, यानी यहां 2 साल का कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, यानी 4,200 आ रहा, ध्यान दीजिएगा ना ब्याज, ठीक है, वेरी गुड।
आप कहोगे सर और क्या, तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल फिर वही होगा, तीसरे साल मूलधन पे तो लगेगा लगेगा, पहले दोनों साल का ब्याज जुड़ जाएगा। कहोगे सर पहले दोनों साल का ब्याज कितना है, पहले साल का 2000, दूसरे साल का 2200, कुल 4200 दो साल ब्याज है। तो 4200 हम अगर 2000 में जोड़ेंगे सर क्या होगा, तो 24200 प्रिंसिपल, इसका 10% करोगे भाई क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है वो तो अभी हम बताएंगे। 2420 रुपए, ध्यान दीजिएगा, यानी 2420 रुपए हमारा क्या हुआ, तीसरे साल का ब्याज हुआ। अब तीसरे साल का ब्याज हुआ, कहोगे तीन साल का ब्याज जोड़ लोगे, फिर ऐसे चौथे साल का, बस चार साल तक रिलेट करते हैं बाकी आप लोग समझोगे। अब हम चार साल, चौथे साल की बात करेंगे, देखो यहां जीरो, यहां दो, चार दो छह, चार और चार दो छह, यानी 66620 हो गया तीन साल का ब्याज। तो बन जाएगा भैया 26620 रुपए मूलधन, 26620 मूलधन, इसका 10% निकालोगे तो यानी चौथे साल जो है यहां पे 2662 रुपए हमारा ब्याज निकलेगा। देखो 24 बढ़ता जा रहा है, पहले साल 2000 था, 2200 हो गया, फिर 2420 अगले तीसरे साल, चौथे साल 2662 हो गया। तो कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है, कि पहले साल मूलधन पर, दूसरे साल मूलधन पहले साल के ब्याज को जोड़कर, तीसरे साल मूलधन और दूसरे साल के ब्याज को जोड़कर, चौथे साल मूलधन और पांचवें साल के ब्याज को जोड़कर, ध्यान दीजिएगा ये समझना है। अब इससे हम लोग कुछ लोग ट्रिक बनाते हैं, कुछ ट्रिक क्या बनाते हैं ये समझिएगा। ट्रिक ये है, ध्यान समझिए आप लोग, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिक ये है कि सबसे पहले जो लिखा है ये पास्कल रूल फॉलो करता है, 2 + 1 = 2 + 1 = 3 और 2 > 1 > 3। सर कहोगे ये क्या है, सर ये 2 ईयर का, और कैसे होगा इसी से देखो, ध्यान, 2 ईयर्स या 2 टाइम्स, 2 टाइम्स दो बार किसी पर ब्याज लगाना होगा, ये 3 ईयर्स या 3 टाइम्स, 1 = 3 + 1 = 4, 3 = 3 = 6, 3 > 1 = 4, ये 4 ईयर्स या 4 टाइम्स, ये 1 = 4 = 5, 6 = 4 = 10, 6 = 4 = 10, इसका 1 > 5, ये 5 ईयर्स या 5 टाइम्स। ध्यान दो ये क्या लिख रहे हैं, कहोगे सर पास्कल रूल्स का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी, हमेशा नहीं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के 3-4 रूल समझने होंगे, पढ़ने होंगे, और फिर क्या सर अप्लाई करेंगे एग्जाम में, वो क्वेश्चन के बिहाफ पर करोगे कि क्या क्वेश्चन है, कैसे अप्लाई करना। जैसे फ्लैट 2 ईयर के लिए दो बार ब्याज होता, पहले को 1 से गुणा करोगे, दूसरे को 2 से, पहले को 2 से दूसरे को 1, 3 साल के लिए ऐसे याद करने का रूल है, 1 = 2 + 1 = 3, इसका 1 + 3, फिर यहां 1 + 3 + 1 = 4, 3 × 3 = 6, इसका 1 + 1 = 4 = 5, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10, 4 + 1 = 1, ऐसा चलता जाएगा चक्र। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि देखोगे एग्जाम में 2 या 3, 4, 5, मतलब 3 साल तक, मैक्सिमम 4 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल देखो ध्यान समझिएगा। मान लो हम बोल दें, कितना आसान इससे बन जाएगा, मूलधन 12,000, 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान समझिएगा, मूलधन कितना 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी मान लो, मान लो हम बोल दें सर 15%, 15% पर एनम है, टाइम 2 ईयर्स, 2 साल का सर सीआई और एसआई बताइए। तो डायरेक्टली आप लोग क्या करना, कुछ करना नहीं है, एक लाइन में बता सकते हो बस थोड़ा सा, इस वाले रूल से, हमें नहीं कह रहे हैं कि हर रूल से, इस वाले रूल से बता रहे हैं, अभी और भी तरीके हैं। कहोगे सर 12,000 रुपए का यानी 15% निकाल लेंगे, पहले मनी का 15%, यानी 2 जीरो कैंसिल, 15 × 30 = 15, 15 × 3 = 18, 1800 रुपए हुआ। ये तो सबको पता है ना भाई, 12,000 का कैसे निकालते थे, आप लोग 15% निकालोगे तो ऐसे निकालोगे ना, 2 जीरो कैंसिल हुआ, इसको मल्टीप्लाई करोगे सर 1800 हुआ, अच्छा वेरी गुड, जो 1800 होगा ना, फिर से इसका 15%, दो बार निकालना है ना, क्यों निकालना है देखो ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्यों निकालना है, 2 साल के 2 बार निकालना, 2 बार के लिए, एक बार मूलधन पर, एक बार इंटरेस्ट पर, 2 बार निकालना है, बस समझिए भाई। फिर से आप लोग 1800 का 15% निकालोगे, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल हुआ, 15 × 120 = 12, 15 और 12 कितना हुआ 27, 270 हुआ ना, समझ मारा क्या करें ना, ये 1800 का आप लोग निकालोगे 15%, ये ऐसे सॉल्व किया, 18 × 5 = 90, 18 × 1 = 18 और 9 कितना हुआ 27, 270, यहां ये कह रहे हैं 2 से गुणा और 1 से गुणा, ये कह रहे हैं,
ये चीजें कह रहे हैं। देखो, दो साल के लिए जब भी होगा, दो साल के लिए जब भी होगा तो आप क्या करोगे, यहां टू और वन से गुणा करोगे, ये कंफर्म है। हर बार दो, और ये मस्त है, एक बार आप लोग समझ गए तो कोई डाउट ही नहीं होगा। 18 दुनाई 3600, 270, ये पूरा जब जोड़ोगे भाई ना, 36 2 38, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान समझिएगा, सब जोड़ोगे 3600 और 3600 3870 3870 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो है ना साधारण ब्याज पहला वाला, देखो ये क्यों कर रहे हैं भाई, 12000 का 15% एक साल में 1800 रुपए हुआ, दो साल दो से गुणा क्यों कर रहे हैं, दो साल, पहले साल मूलधन पर, दूसरे साल भी मूलधन पर, और दूसरे साल में भैया जो है चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, ब्याज पर ब्याज अलग हो जाएगा, इसलिए यहां पर किया है। तो हमेशा ये वाला मनी क्या होगा भाई, ये साधारण ब्याज होगा, पहला वाला मनी सब में 3600 साधारण ब्याज। अब आप बताओ, दो साल के लिए सीआई और एसआई यहां बन गया, सीआई और एसआई बन गया, इसका मतलब सीआई और एसआई का अंतर, कभी कभी ये बहुत आता है, अभी फॉर्मूला भी हम आपको लोग इस बताएंगे, लेकिन दो साल का सीआई एसआई का अंतर क्या है भाई, तो यहां पर पहला छोड़ के बाकी जो बचेगा फिलहाल 270, या ऐसे घटा दो, देखो 270 आ गया। तो ये दो साल के लिए कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए, नहीं सॉल्व कर लिए, बिल्कुल सॉल्व कर लिए, इजी वे में निकाल सकते, बताओ कोई डाउट है। तो कभी भी कोई मनी दिया होगा, दो साल के लिए क्या करोगे, दो, पहले मूलधन का ब्याज निकालोगे, फिर ब्याज का ब्याज निकालोगे, दो और एक से गुणा कर दोगे आंसर, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। सर तीन साल के लिए 331, तीन बार करना पड़ेगा, ये एक एग्जाम्पल बता दें, फिर हम क्वेश्चन अभी बताएंगे, ध्यान समझिएगा, उसमें कंफ्यूजन मत करिएगा ना, ये हो गया। अच्छा, इसका अगर सर तीन साल का होता तो तीन साल का कोई मनी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम ऐसे मनी मान रहे ना जो आसानी से आप लोग सॉल्व करो। चलो हम मान रहे 15000 सर, कितना 8% सर, टाइम 3 ईयर्स, बताओ क्या चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्या साधारण ब्याज होगा, सारी चीजें बिल्कुल बता देंगे। सर तीन बार करेंगे, 15000 का 8% निकाल लेंगे, 0 15 8 120, यानी 1200 हुआ। सर एक बार और करेंगे, क्योंकि वो कहा गया रूल में, 1200 का 8% 12 8 96 हुआ। फिर सर एक बार और कर, तीन साल का तो तीन बार करना, पहले मूलधन का, फिर इंटरेस्ट का, फिर इंटरेस्ट का, कहोगे सर 96 का हम 8% निकाल लेंगे, 8 से गुणा कर देंगे और 2 जीरो लगा देंगे, गुणा कर दो भाई। देखो यहां पे 8 से 48, 8 9 72 4 76, यानी 7.67, क्लियर ना, तीन बार मस्त से निकालना। और उसके बाद क्या करते थे सर, 3 3 1 से गुणा करते थे, याद कर लो इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से करोगे, 3 3 1, क्या हो जाएगा भाई, 12 3 3600 प्लस क्या हुआ, 3 6 18 3 9 27 और 1 28 प्लस क्या होगा, 7.68, बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है भाई। तो अब यहां से कितना आसानी से सॉल्व कर लोगे, सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सबको जोड़ दो, 3600 2 3800 88 7 95, यानी 3895.68 रुपए क्या हुआ, ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। सर साधारण ब्याज अभी आपने बताया था पहला वाला, यानी एक साल में 1200, तीन साल में कितना 3600, पहला वाला होगा। साधारण ब्याज वैसे भी हर साल बराबर होता है, लेकिन अभी हम अलग से भी बताएंगे। सर तीन साल का सीआई एसआई का अंतर, हाँ ये भी होता है, ये घटा दो, और हमने कहा था ना पहला वाला एसआई होगा, बाकी जो बचेगा सीआई एसआई का अंतर, ये अलग से भी जोड़ सकते हो, और चाहे सीआई एसआई निकाल लो, घटा दोगे, कहोगे कितना आएगा सर, 295.68 आ जाएगा, बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, हमें पता है, जैसा बोल दिया जाएगा आसानी से आप लोग बता सकते हो, वेरी गुड। इनमें कोई कंफ्यूजन है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी वे में हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट बताओगे, ध्यान समझिएगा, इनमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को रिलेट करना था। अच्छा सर एक और बताइए, आप जैसे बोल दिया जाए, हम कुछ भी मनी बोल दें, कंफ्यूजन मत करिएगा भाई, बार बार यही कह रहे हैं आप लोगों को। सर प्रिंसिपल हम बोल दें सर 24000 रुपए, कितना बोल दें, 24000 रुपए, वेरी गुड, बोल दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर थोड़ा आसान कर दीजिए, 5%। टाइम सर 4 साल कर दीजिए। तो अगर हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या सीआईएसआई का अंतर निकालना, तो कैसे निकालेंगे सर, एक ही रूल है, बार बार भटकना नहीं है। 4 साल के लिए देखो, 1 3 और 1 4, 3 3 6 1 4, यानी 4 6 4 1, 2 साल के लिए 2 और 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, ये एक दो बार खुद से लिखोगे याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। तो कहोगे सर बिल्कुल याद हो जाएगा, हम बता देंगे, बिल्कुल बताइए भाई, आप लोग कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा देखो, कहोगे सर पहले 20, 4 बार निकालना ना, 2400 का 5%,
2 0 24 5 120 1200 हम जान के आसान दिए हैं, जिससे आप लोग सॉल्व कर लो। समझना है अभी भाई, 1200 का 5% 12 5 60 यानी कितना होगा, ये हो गया। 2 0 60 का 5% कितना हुआ, 6 5 30 यानी 3 रुपए हुआ सर। 3 रुपए का 5% कितना हुआ सर, तो इसका मतलब 3 को 5 से गुणा कर दो और 2 0 लगा दो, 3 5 15 का मतलब 0.15। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। गुणा किससे करना सर, 4 से, यहाँ 6 से, यहाँ 4 से, यहाँ 1 से। और क्यों किया सर, यहाँ अभी आपने बताया था इसलिए, 4 6 4 1 इसलिए इसको हमने किया है। वेरी गुड। यहाँ से तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बस डाउट क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1200 हाँ बिल्कुल, प्लस 6 6 36 360 ओके, 3 6 12 और 0.15 सबको सर जोड़ेंगे। हाँ जोड़ेंगे, क्या आएगा सर, सबको जोड़ने पर CI आएगा, चक्रधि ब्याज का मतलब 4800 3 5160 5172 इतना, यानी 5172.15। बहुत बार बता दिए हैं, फिर से रिकॉल कर रहे हैं भाई, इतना आपका चक्रधि ब्याज आएगा सर। SI क्या होगा, पहला वाला भाई 4800 रुपये ना, 4800 ना, और फिर 4 CISI का अंतर सर, CISI का अंतर आप कहोगे सर यानी घटा देंगे ये वाला 360 और 12 ये यानी 372.15। तो कितना आसानी सॉल्व कर लिए। तो किसी मनी का अगर आप लोगों को 4 ईयर के निकालना होगा तो बताओ इनमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, यानी 5 साल तक तो फ्लैट निकाल सकते हो। अगर डायरेक्टली निकालना होगा तब हम ये अभी ये नहीं करेंगे हर बार ये निकालेगा, नहीं, ये जो है इस तरीके से डायरेक्टली फ्लैट आप लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का निकाल सकते हो। और क्या तरीका होगा अभी हम बता रहे हैं भाई, और भी इसी से रिलेट करके बता रहे हैं। फिलहाल ये समझिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इस जो है ग्राफ का यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ CISI क्या होता है उसको थ्रू हम कैसे समझेंगे ये डिस्कस किया। ओके अच्छा, एक तो ये हो गया सर, और क्या होगा, एक चीज हमें इनके थ्रू फॉर्मूला निकालने की जरूरत है, फिर फॉर्मूला इन सब का पढ़ने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है सर, निकालने की जरूरत फॉर्मूला ये है, देखिए ये बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है। क्या आया है कि कोई मूलधन जो है प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, 2 ईयर्स 3 ईयर 5 ईयर ऐसे लिख दे रहे हैं ना, ईयर में है भाई, ठीक है, ये डबल हो जाता है कुछ अमाउंट हो गया इतना, तो वही प्रिंसिपल ये 2 का 4 डबल टाइम, 3 का 6 5 का 10 ईयर। हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझिए, अब देखो डबल टाइम ट्वाइस टाइम, डबल टाइम का मतलब 2 साल में कुछ अमाउंट हुआ और 3 4 साल में कुछ अमाउंट, कोई मूलधन 4 साल में अमाउंट हुआ, 8 साल में अमाउंट, 3 साल में अमाउंट, 6 साल में अमाउंट, 5 साल में अमाउंट, 10 साल में अमाउंट हुआ। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो है जो यहां से मूलधन निकलता है प्रिंसिपल निकलता है, पहले वाले अमाउंट को 2 बार गुणा करो, दूसरे वाला अमाउंट से भाग कर दो। अब क्यों भाग कर दे, चाहे देखो एक ही एक क्वेश्चन बन जाएगा सर, अगर कोई मनी पर मतलब 2 साल में कुछ अमाउंट हुआ 4 साल में कुछ अमाउंट हुआ तो मनी क्या है, किसके अकॉर्डिंग भाई, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, चक्रवृद्धि की ब्याज कर रहे हैं, फिर साधारण ब्याज की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है। अगर ये क्लियर हो गया ये तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो देखो जैसे यहां पे ध्यान समझिएगा, आप कहो यहां 2 6 2 8 और यहां से देखो ध्यान से 2 6 2 8 6 6 12 2 कैरी 1 6 2 8 1 9 9282। अब हम इसी क्वेश्चन बना रहे हैं, हम 9282 ये कितने साल का, 4 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज भाई कितना है, 4200 है। तो 2 साल में अगर 20,000 मूलधन है, देखो यहाँ से अगर 20,000 मूलधन है, पहले साल 2000 लगेगा, दूसरे साल 2000, यानी 2000 में अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर 2 ईयर की बात करेंगे 2 ईयर में सर अमाउंट जो है 4200 ब्याज लगेगा, तो 24,200 हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, कब 2 साल में सर, 4 साल में कितना हो जाएगा सर, 4 साल में जो है तीसरे साल इतना, यही 4 साल का ब्याज कुल जोड़ दोगे 9282 है, यानी 29,982 हो जाएगा, चाहे चेक कर लो 29,982। क्वेश्चन बन गया, आप लोगों को फ्रेम करना सिखा रहे हैं, देख लो। हम ये कह दें कि एक धनराशि, कोई धनराशि कितनी है नहीं पता,
दो वर्षों में, टू ईयर्स में 24,000, ये लिखा गया है 24,200 रुपए, दो वर्षों में 24,200 हो जाती है, यानी ब्याज जुड़ने के बाद अमाउंट हो जाता है भाई। वही धनराशि चार वर्षों में, बहुत बार आया है इसलिए इसको हम अलग से लिख रहे हैं, चार वर्षों में भाई वही धनराशि कितना, वही धनराशि देखो क्या दिया है, यहां भी हमने कहा 29,982 ना, इस चेक कर लो, इसलिए कह रहे हैं 29,982 हो जाती है। बताइए मूलधन क्या है, तो तुरंत ध्यान नहीं देना मूलधन, यानी कोई धनराशि दो वर्षों में 24,200 और वही धनराशि कुल चार वर्षों में कितना हो जाती है 29,982, मूलधन क्या होगा सर 24,200 का, 24,200 ये स्क्वायर करो डिवाइड बाई 29,982, बस आंसर क्या आएगा सर, अब ये कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेट आप लोग करोगे हम करें, जैसा आप कहो कोई इशू नहीं है, हम भी कर देंगे आप भी, हम दोनों लोग मिलके करेंगे। सर फिलहाल ये दो से कटेगा, दो एक कम दो, दो चौक आठ हुआ एक, दो नौ अट्ठारह, सर दो नौ अट्ठारह और दो एक कम दो, हम कहेंगे बिल्कुल दो एक कम दो, दो दुना ही चार, दो एक कम दो इतना, इसको देखो 121 हुआ ना, 121 का स्क्वायर करो वही आएगा, 121 का स्क्वायर करो, 21 ज़्यादा 441 91, मतलब सॉल्व करोगे देखो प्रिंसिपल यहाँ 20,000 आ जाएगा, डेफिनेट है 20,000 आ गया। तो ये कह रहे हैं कि कहने का मतलब हुआ कि जब दो वर्ष चार वर्ष में होगा, ये ध्यान दीजिएगा ये बहुत बार आया है, कोई धनराशि बोल दिया जाए कि दो साल में इतना, चार साल में इतना, पाँच साल में इतना, आठ दस साल में इतना, चार साल में इतना, आठ साल में इतना, तब हमेशा फॉलो करोगे, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्या है भाई, कोई मूलधन, कौन सा मूलधन यहां पर लिख दे रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव टाइम, इसको नोट कर लो भाई, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्रमागत वर्ष। तो इसका मतलब क्या कह रहा, देखो कोई मूलधन, कोई मूलधन टू ईयर में कुछ अमाउंट हुआ, हमने कहा वही मूलधन तीन साल में क्रमागत वर्ष, डबल तो नहीं होगा, डबल टाइम सिर्फ ये निकालेंगे, कुछ अमाउंट हुआ तीन साल में, कुछ अमाउंट हुआ चार साल में, कुछ अमाउंट हुआ पांच साल में, छह साल में, सात साल में, आठ साल में, इसमें मूलधन नहीं पूछा था, एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा फिर मूलधन अपने आप निकाल लोगे। इसमें चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर, दर किसी चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि दर अगर आप लोग निकालना है तो ये करेंगे, जो ये ब्याज ना दोनों अमाउंट का जो अंतर होगा, मतलब इनका जो अंतर होगा, वैल्यू जो अंतर होगा, पहले वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाएगा, मतलब पहले पर जो दूसरा बढ़ा है वो कितना परसेंट बढ़ा वही ब्याज होगा, यानी पहले जो दोनों अमाउंट का अंतर होगा पहले वाले अमाउंट पर ध्यान दीजिएगा ब्याज माना जाएगा, यही बन जाएगा। ओके अच्छा वेरी गुड, बता देंगे हाँ, इसको ध्यान समझिएगा, अभी क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं। कैसे, यही क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया, इसको मिटा दे रहे हैं और फिर क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं, और फिर जो है आप लोग पहले इसको समझ जाइए, क्योंकि एक बार ये रिकॉल कर चुके हैं, अब दोबारा आप रिकॉल नहीं करेंगे भाई, इसको आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आओगे। ऐसे लिखोगे अ सम ऑफ मनी, कोई धनराशि इन टू ईयर, दो वर्षों में, ध्यान दीजिएगा दो वर्षों में 24,200 अमाउंट हो जाती है, वही धनराशि थ्री ईयर, तीन वर्षों में बोल दिया जाए, तीन वर्षों में 26,620 रुपए हो जाती है। तो बताइए चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, मतलब रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बताओ आप भाई कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। कहोगे सर अच्छा यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई कॉन्सिक्यूटिव ईयर में दो साल में कोई ब्याज, तीन साल में, तो जो हम क्या करेंगे दोनों अमाउंट का अंतर कितना होगा भैया, दो, छह में से दो गया कितना चार, छह में से चार गया दो जीरो, 2420 रुपए, जो 2420 रुपए अंतर होगा वो पहले वाले 2420 रुपए 200 रुपए पर ब्याज माना जाएगा, है कि नहीं, मतलब इनका जो अंतर होगा, ये अमाउंट A1 है, ये अमाउंट A2 है, इनका अंतर दूसरे वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाएगा, 10% आ गया नहीं आ गया, फिर से वही क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, यही हमने दिया था, यही बता रहे हैं भाई,
तो 2-3 साल में कोई ऐसा दिया होगा तो आ जाएगा। ये बहुत बार आता है, और जो बहुत बार आता है ना, जो हम इतना आसान दिए, इतना आसान आता नहीं है, डेसिमल्स में आता है, ये डेसिमल्स में आएगा तब आप लोगों को बताना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो तब आप लोग कहोगे सर टफ हो गया, तो अगर बताइए एक और क्वेश्चन दे, नहीं तो क्लियर है, बिल्कुल सही है, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं का। दो फॉर्मूला रामबाण है इसमें, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा तीसरा सर, तो दो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तीसरा सर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जरूरत होती है बिना कुछ किए इसी की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कर लोगे, और अगर ये बहुत सारे सॉल्व कर लोगे, अभी हम परसेंटेज रेशियो किसी पर नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ ये तरीका बता रहे हैं सर, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाए वो बताइए, बाकी हम तो सॉल्व करेंगे। देखिए ये सब जो है ट्रिक किसके हैं, ये सारे ट्रिक जो हैं जो CHSL में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, सीटेट में आते हैं, कॉन्स्टेबल में आते हैं, ये सब डायरेक्ट वाले क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। हाँ बैंक वगैरह में क्या होता है, SSC में थोड़ा चेंज करके पूछता है, तो एक और फॉर्मूला लिख लो भाई, ये तो दो फॉर्मूला हो गया ना, ध्यान दीजिएगा ये दो फॉर्मूले रामबाण है जो कि याद रखना मस्त है। और क्या रखना है मस्त है सर, फॉर टू ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये क्या है डिफरेंस है, जो अंतर होगा वो मूलधन R/100 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये आप लोग रामबाण तरीके से फॉर्मूला याद करो, कब, जब आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना डायरेक्ट वाले में, यानी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस का दे रहे हो, SSC GD का दे रहे हो, उन सब में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब डायरेक्ट वाले में ऐसे करोगे आप लोग, तो यहां पर CI/SI का अंतर दिया होगा, मूलधन दिया होगा, और जो है आप लोगों को आंसर निकाल लोगे। जैसे एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे कह दिया जाए, चलो अभी लिख दे रहे हैं, पहले आपको पहले इसको देख लो फिर लिख दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन लिख दे फिर, फॉर थ्री ईयर्स सर क्या होगा, CI-SI सर बराबर मूलधन R/100 का होल स्क्वायर, सर ये तो होगा होगा, दो साल का होगा होगा, प्लस क्या करेंगे 300 + R/100 और कर दें, मतलब 3 + R/3 कर दें, बात वही है, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि इनटू 300 प्लस में, यानी 3 साल के 300 में R जोड़ के 100 भाग कर दोगे, ये बन जाएगा 3 साल के CI/SI का अंतर। बताओ कोई डाउट है किसी को, ये फॉर्मूला 2 साल का PR/100 का होल स्क्वायर, अगर फॉर्मूले से करना है, ये जरूरी फॉर्मूला, ये तीनों जरूरी फॉर्मूले हैं, नहीं तो बेसिक से तरीके तो बहुत सारे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें परेशान मत होइए, इसकी बात कर रहे हैं। CI/SI का अंतर PR/100 का होल स्क्वायर और इंटू 300 + R/100, 3 साल के CI/SI का अंतर, 2 साल के CI/SI का अंतर आ गया। सर जब आ गया तो एक क्वेश्चन भी बता दीजिए, बिल्कुल लिखिए लिखिए, किसी मूलधन पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग, 3 ईयर 3 साल का CI और SI का अंतर 295.68 रुपए है, ठीक है, बताओ। तो आप लोग मूलधन बताइए क्या होगा, तुरंत समझ में आएगा सर 3 साल का CI/SI का अंतर दिया है, समय 3 साल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया, कहां टफ है, आसानी से बता देंगे क्या आएगा। कहोगे सर फॉर्मूला तो ये होता है, क्या होता सर, CI-SI बराबर PR/100 का होल स्क्वायर, तो सर 2 साल का होता है, और इंटू इसी में आप लोग क्या कर दो 300 + R और 100 और कर दो, 3 साल का हो जाएगा सर, बस हो जाएगा, तो लिख दो, अभी ये फॉर्मूला भी बाकी लॉजिकल बता रहे हैं, तो हो जाएगा, करना क्या, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, आप बताओ जल्दी से, यू हैव टू 1 मिनट टाइम, प्लीज बताइए क्या होगा। तो कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन बता देंगे हम, तो लिखेंगे 295.68, यही करोगे ना, मूलधन नहीं पता है, रेट है कितना भैया 8/100 का होल स्क्वायर इंटू ये 300 + R का मतलब 8, यानी 308, देखो 308 / कितना हुआ 100 हुआ, ये सब इधर आ जाएगा 295.68 ना, इंटू कितना हुआ 100/8 इंटू 100/8 ना, ये इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, ये भी आएगा 100/ कितना, ये 308 हो जाएगा, ये पी, यही तो सॉल्व करना है सर, बहुत टफ लग रहा है सॉल्व करने में, नहीं भाई वो आसान दिख रहा, टफ दिख रहा है लेकिन आसान होगा। देखो 1 0 पॉइंट वैसे कैंसिल हुआ,
कहोगे सर 8, 8 3 24, 5, 8 6 48, 48 7, 8 9 72, 4 8 6 48, फिर 8 सर 8 4 32, 4 8 6 48, 8 9 16, फिर सर क्या, फिर 308 सर, बस जीरो तो बहुत सारे हैं तो जीरो बहुत सारे तो बढ़ा लोगे, 308 से डायरेक्ट करो हो जाएगा, 308 का सर एक गुना कितना, 12 8 यानी 4 हुआ, ये 5 हुआ और कितना हुआ सर एक हुआ, नहीं 4 में से 3 एक हुआ, 15 44, तो 308 का 5 गुना, 3 5 15, 8 5 40, 5 गुना सर एक जीरो तो निकाला, 3 जीरो और बढ़ा देंगे सर, पी बराबर ये 15,000, देखो 15,000 आगे नहीं आ गया, लेकिन देखो ये हम कह रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं याद रखना है, ये कांस्टेबल के अकॉर्डिंग है, मतलब जिनको सिर्फ याद सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हो, सीआईएसआई का अंतर दिया है, मूलधन निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है या जो भी दिया है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यही आप लोग करोगे। बताओ कोई डाउट है, कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया ना, बताओ कोई डाउट है, तो ये 2 साल 3 साल का, 2 साल का नहीं बता रहे, हमें पता 2 साल का आप लोग निकाल लोगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। चलिए ये तो हो गया भाई चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक रूल ना, बेसिक रूल हो गया। अच्छा साधारण ब्याज का भी बेसिक रूल्स देख लो, फिर उसके बाद हम लोग जो है दोनों को रिलेट करेंगे। बस साधारण ब्याज का एक ही बेसिक रूल है, क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट, देखो ये तो था चक्रवृद्धि ब्याज का, सब हमने बता दिया आप लोगों को। अब अगर आप लोग इसी को जो है ध्यान दीजिएगा, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू आप लोग रिलेट करना चाहो ना, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू रिलेट करना चाहो, ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो इसमें ना, चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू रिलेट करना चाहो ये करोगे, यहां लिख देते हैं, देखो दिस ये ब्लैक भाई बहुत डार्क हो जाएगा, साधारण ब्याज आज ही सब क्लियर कर लो। अब जो है हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन ही समझाएंगे भाई, जो कॉन्सेप्ट नया बताएंगे सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इसलिए हमने बहुत सारे लोगों कंफ्यूजन हो रहा था कि सर बार बार जो है डायरेक्टली कैसे कर देते, फिर से बता देते, कोई बात नहीं, अब ध्यान समझिएगा। कोई भी मूलधन दिया होगा, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% दिया है, टाइम 5 ईयर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दिया है तो साधारण ब्याज अगर हम जनरेट करेंगे तो हम समझेंगे भाई एक साल में 8% मूलधन, हमेशा हाउ टू लेट मूलधन, लेट प्रिंसिपल 100% हमेशा मानेंगे, जरूरी नहीं है 100 माने, जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस समझते हो, अब इसके पहले हमने पूरा फिर से डिटेल में बताया था, अब हम सारे चैप्टर्स का फिर से थोड़ा थोड़ा बेसिक बता के और फिर जो है कुछ क्वेश्चन कराने के बाद फिर एग्जाम लेवल का फिर क्वेश्चन करा रहे हैं कि भाई जो लोग भूल गए होंगे फिर से उनको रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। तो अगर जैसे आप लोग करते थे ना कि अगर हम ब्याज होता प्रॉफिट होता है तो मूलधन उस पर सीपी पर होता है, तो वैसे साधारण ब्याज मूलधन पर लगेगा हमेशा हर साल मनी पर, तो हम समझेंगे एक साल में 8%, 2 साल में 16, 3 साल में 4 साल में ऐसे करेंगे ना। तो एक साल में 100 रुपए पर 8 रुपए, 2 साल में 100 पर 8 9 16, हर साल मूलधन लगेगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो साधारण ब्याज होता है रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज में कर दो, एक्स में कर दो, कोई फर्क नहीं। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर हमें पता फार्मूला, इतना करने की क्या जरूरत था, हमें तो फार्मूला पता सर, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो फार्मूला अगर आप लोग फार्मूले का यूज करते हैं उसमें रखते हैं तो भी वही आएगा सर, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। कहोगे सर ब्याज का मतलब, अगर हम मूलधन 100 रुपए रख दें सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 8% रख दें, टाइम 5 रख दें, फिर 2200 कर दें, देखो 8 5 40% आया कि नहीं आएगा, ब्याज 40% आया कि नहीं, बात तो वही आर और टी आएगा, अगर पी यहां 100 रख दोगे तो अपने आप आ जाएगा ना। तो वही चीजें कह रहे हैं, हमेशा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआई इनटू आरटी परसेंट होगा, एक साल में 8%, तो 5 साल में 8 5 40%, ये पहले समझ जाएंगे भाई, डायरेक्ट पहले आर और टी मल्टीप्लाई कर दो, किसी मनी पर 2 साल का ब्याज इतना है, 5 साल कितना होगा, 2 साल का ब्याज 12% है, 5 साल का 60%, मतलब 1 साल का निकाल लेंगे फिर 5 साल का निकाल लेंगे, एक ही सेकेंड
मेथड रेशियो का। देखिए ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया हो, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग कॉम्प्लिकेटेड दिया हो कैसा भाई, चलो यहां लिख दे रहे हैं। सेकंड तरीका ये तो पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे दिया हो 16/2/3% पर एनम, 12.5% पर एनम है, होता ना देखो अभी कभी आते हैं, 8.33% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे दिया हो, टाइम कुछ भी दिया हो, तो अब अगर ऐसे करते हो ना, तो जब हम इस वाले रेट को समय से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, टफ हो जाता है। यहां अपने माइंड को यूज करना है, क्या करना भाई, हमें यह समझना है कि जो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, जैसे 16/2/3 यानी 100 रुपए पर 16/2/3 रुपए एक साल में, अगर इसको रेशियो में करो तो इसकी वैल्यू 1/6 होती है। 12.5% का मतलब 100 रुपए पर 12.5% एक साल में, तो क्या करो फिर से देखो, यानी इसकी वैल्यू 1/8 होती है, इसकी वैल्यू कितना होती है 1/12 होती है, ध्यान दीजिए 8.33, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो हम कोई पिक कर लें, कोई पिक करने का मतलब हम बोल दें 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, समझिएगा 7 ईयर्स का हमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये प्रिंसिपल आप लोग क्या करोगे, इस केस पे प्रिंसिपल 1 मानते हो, हम पहले ये समझेंगे 12.5 का मतलब 1/8, यानी 8 रुपए पर एक साल में 1 रुपए, ये आर हो गया 7 साल में 7, यानी 7/8 हो गया। तो नीचे वाला प्रिंसिपल मान लेते हो ऊपर वाला, जैसे 100 पर उतना हो जाता ना, यानी 40% का मतलब, यानी 40% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पर 40 रुपए ब्याज। इसको आप ये भी कह सकते हैं 2/5, यानी 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज, वैसे यहां भी कह रहे हैं, यानी अगर SI को पहले ही कन्वर्ट कर दो कितना आसान हो जाएगा, 8 रुपए मूलधन होगा, 7 ब्याज होगा, 8/7 = 15 हमारा अमाउंट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब आरटी परसेंट तो होगा, लेकिन हमें यह करना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले चेंज कर दो फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में चेंज करने पर सब मूलधन ना मान के पार्ट के फॉर्म में डिनोमिनेटर को मूलधन मान लो, आंसर हो जाएगा ज्यादा आसानी से। जैसे बोल दे ये 8.33% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान समझिएगा 5 वर्षों का अगर हमें साधारण ब्याज चाहिए तो 8.33 का मतलब 1/12, 5 वर्ष में गुणा कर दो 5/12, ध्यान दीजिएगा, यानी 12 मूलधन होगा, 5 ब्याज होगा, 12/5 = 17 क्या होगा अमाउंट हो जाएगा। अब कुछ भी दिया होगा रिलेट कर दो, यानी आर ओ टी दिया होगा तो हमें ध्यान नहीं देना होता। तो कहोगे सर जो ये बता रहे हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, चलो बता देते कैसे बनेंगे। जैसे देखो इस पे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फिर अभी जो है जो क्वेश्चन हमें लाए हैं वो सॉल्व कराएंगे। पहले ये देखो, हम बोलते किसी मनी पर यही क्वेश्चन, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 ईयर्स में, पहले इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्षों में अमाउंट 84,000 रुपए हो गया, यानी कोई धनराशि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में अमाउंट यानी मिश्रधन 84,000 हो गया। सर मूलधन बताइए, तो क्या हम वो फॉर्मूला जितना लिखे उस फॉर्मूले का यूज यहां करेंगे, आप बताओ। कहोगे बिल्कुल नहीं करेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है सर, ये वो सब नहीं करेंगे, ये ऐसे करेंगे। कैसे भाई, एक साल में 8% ब्याज, तो 5% में यानी RTSI क्या होगा एक साल में, अगर ये दिया होगा तो आसानी से कर लो, एक साल में 8, 5 साल में 8 × 5 = 40, 40% सर ब्याज होगा, हम क्या करेंगे सर, 40% ब्याज होगा तो 40 का मतलब 40/2, 100 मूलधन 40 ब्याज, या हम ये मान लेंगे सर 100 प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 100 पर 40% अगर हमारा ब्याज हो जाएगा, 100 का 40% 40 हुआ, तो सर अमाउंट 140 हो जाएगा सर ना, चाहे ऐसे कर दो और चाहे आप लोग इसको x मान लो, यानी मूलधन 40% ब्याज होगा, पता किस पर, जो भी मूलधन मानोगे, मूलधन 100 मानेंगे उस पर 40% 40 होगा, ब्याज इतना होगा, मूलधन x मानोगे तो x का 40 करोगे, मूलधन 500 मानोगे 500 का 40 करोगे, जो भी मान सकते हो मूलधन, अगर 100 लेट कर लिया इस केस में तो कितना आसान हो गया, तो जो माना है ना, तो इसके अकॉर्डिंग 140 अमाउंट है वो 84,000 के बराबर है, 100 निकालोगे मूलधन 40 निकालोगे ब्याज, आंसर कितना आसान है।
कहोगे सर 140 की वैल्यू, एक लाइन में भी लिखो ज्यादा आसान है, ये हमने बार बार आपको बताया, ये लिखना सीखो। यानी 140 की वैल्यू दिया, एक वैल्यू निकालने के लिए 140 नीचे आएगा ना, ऐसे करोगे तो 100 की वैल्यू प्रिंसिपल निकाल लोगे, बस 14 × 6 = 84 यहाँ पे कितना हुआ सर, 60,000 हुआ। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है सर। तो इतना आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप ये क्लियर हो गया। सर एक और बताइए, एक और क्या बताएं, जैसे हम ये बोल दें, पहले क्वेश्चन देखो तब ध्यान दीजिएगा, किसी मूलधन पर 8.33% साधारण ब्याज की दर से, कितना 8.33% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में, 7 ईयर्स में साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर ये जो है अमाउंट यानी मिश्रधन, जो मिश्रधन बनता है 1,36,000 सर अमाउंट हो जाता है, यानी किसी धन किसी धनराशि पर 8.33% पर एनम, यानी हर साल। अभी देखो हाफिली और इसकी बात नहीं कर रहे, पहले बेसिक समझ जाओ और फिर क्वेश्चन पे आओ, फिर यहां रिलेट करते हैं। किसी धनराशि पर 8.33% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 वर्षों में सर अमाउंट 1,36,000 हो गया, तो बताइए साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज क्या होगा, नहीं वैल्यू में मूलधन क्या होगा। तो जब 8.33 करोगे, देखो क्या ये डायरेक्टली 8.33 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे, टफ हो जाएगा। तो हाँ नहीं सर, इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, इसकी वैल्यू सर 1/12 होती है, एक साल में 1/12, 7 साल में, ये भी SI बराबर RT करते थे ना, ये जो 7/12 होगा, ये 12 नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब या ऐसे करो, हम प्रिंसिपल नीचे वाली वैल्यू 12 मानेंगे, ये समझिए। तो 7/12 का मतलब 7 ब्याज होगा, और 12/7 = 19 क्या होगा, 12/7 = 19 क्या होगा, अमाउंट होगा। तो 7 प्रिंसिपल ये ब्याज होगा और 12/7 = 19 क्या होगा, अमाउंट होगा। तो ये प्रिंसिपल को सोना मान के इस फॉर्म में मानोगे, आसान हो जाएगा। तो कहोगे सर कि अब हमें अमाउंट दिया है, यानी 19 की वैल्यू दिया, 19 अमाउंट है इस मूलधन के अकॉर्डिंग, इस 12 के अकॉर्डिंग 7 ब्याज 19 अमाउंट हुआ, 1,36,000 दिया सर जी। अगर ब्याज निकालना हो तो सर 7 की वैल्यू, अगर 19 की वैल्यू दिया, जो एक ही पूछा जाएगा सर, दोनों नहीं पूछा जाएगा, तो जब दोनों नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा हम वो निकालेंगे, क्यों दूसरा निकालेंगे सर। मूलधन पूछा जाएगा 12 की वैल्यू, ब्याज पूछा जाएगा तो 7 की वैल्यू, 136 कर दो, कट जाएगा ना, कहोगे सर बड़ा कंफ्यूजन कर दिया आप, 36 नहीं 33 कर दो ना, ठीक है 33 कर दिया, क्यों कटने के लिए, 19 × 7 = 137 = 47 यानी 49,000 रुपए ब्याज। मूलधन क्या होगा सर, 19 × 7 = 12 = 84 यानी 84,000 रुपए मूलधन। देखो 84,000 में 49,000 जोड़ोगे, 1,33,000 आएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इलेट करने का तरीका था। चलो फिलहाल अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत सारे, आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट टाइम में सारा क्वेश्चन इसको रिलेट करके बताएंगे। बताओ कोई डाउट है? नेक्स्ट टाइम में हम सारा क्वेश्चन रिलेट करके बताएंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए ना, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।